नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला 10,000 रुपया कैसे इन्वेस्ट करें। जस्ट अभी नया नया नौकरी लगा है, सैलरी आया है, तो पहला सैलरी या साल भर 6 महीना तो आप अपने घर को देखिए। वो सब करने के बाद, अपना मन भरने के बाद, अब लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करने का बारी है और पहला 10,000 रुपया आपके अकाउंट में है, तो 2023 में वो कहाँ पैसा लगाऊं, ये क्वेश्चन है। लोगों के मन में एक डाउट होता है इन्वेस्टर के बीच कि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई है, तो बताइए 10,000 रुपया पहला शुरुआत कहाँ से करूँ। जब आप मार्केट देखेंगे ना, तो इस तरह से है। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो मार्केट इस तरह से है। आप किसी भी स्टेज में पैसा लगाते हैं ना, वो पैसा 15-16% के रेट से बढ़ा ही बढ़ा है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई है, आगे भी पैसा आएगा, जब मार्केट गिर जाएगा तो यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, फिर लाइफ टाइम हाई हो जाएगा, वहाँ पे भी लगेगा। किसी को पता थोड़ी होता है कि आज जो 60-62 हज़ार चल रहा है, अब ये 65 हज़ार कब हो जाएगा, 70 हज़ार कब हो जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो हमारा साधारण इन्वेस्टर का काम है कि लगातार जैसे जैसे पैसा आते जाए, खर्च करने के बाद जो पैसा सरप्लस बचे, और उस पैसे को छोड़ सकते हैं 10-15 साल तक, तो धीरे धीरे करके पैसा ये लगाते जाना है। क्वेश्चन होगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, जस्ट शुरुआत करना है। और बड़ा बेहतरीन एक चीज़ सुनने को मिलता है सबसे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इतना सा, इतना सा या इतना सा, कितना। जब रिस्क का बात आता है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये पैसे का ज़रूरत कब है और किसके लिए है। बच्चों के लिए, घर बनाने के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए। अगर इस तरह का लिखना शुरू करेंगे ना कि पैसा कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो पता चलेगा 100 से ज़्यादा लिस्ट बन गया, जहाँ हर चीज़ में पैसा ही पैसा लगता है। मैं 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से बड़ा खर्चा है तो भी लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी लिस्ट आ जाएगा। तो एक चीज़ रखिए, एकदम दूर दृष्टि, पक्का इरादा। वो क्या है कि यदि आपका एज 20 से 45 साल के बीच है, तो 15 साल कम से कम म्यूचुअल फंड SIP में टाइम दीजिए, और टारगेट रखिए कि 1 करोड़ रुपया चाहिए ही चाहिए। और कोई भी चीज़ खरीदेंगे उसमें क्या लगता है, पैसा। तो कितने सारे भी काम है ना, वो सारे पैसे से ही सॉल्व होएंगे। तो जब ये पैसा हो जाएगा ना, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये रिस्क कितना, टाइम कितना। पहला टारगेट रखिए कि ये पैसा पूरा करना है, और वो हो जाता है, इजिली हो जाता है। जिनको समझ में आ गया, वो करते करते, सैकड़ों इन्वेस्टर मेरे हैं जो ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। जो कोई व्यक्ति भी ये टाइम दे दिया ना, उसका रिस्क धीरे 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 कम हो जाता है। जितना छोटा टाइम उतना ज़्यादा रिस्क, जितना बड़ा टाइम उतना कम रिस्क। तो पहला यदि 10,000 रुपया इन्वेस्ट करने का पूछेंगे, तो दो फंड का नाम है, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैंने SBI स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है 2009 से लेके 2022 तक। ये रिकॉर्ड है, 1 टाइम 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1 टाइम, एक बार, पहला पैसा शगुन के तौर पे। पिछला रिकॉर्ड है, आगे का तो कोई दिखा नहीं सकता है। 5,000 का वैल्यू है 58,000 रुपया, 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है इस फंड ने। दूसरे फंड का बात करते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 2010 से लेके 2022 तक, पिछले 12 साल में इस 5,000 रुपया का 1 टाइम का वैल्यू है 47,880 रुपया, ये भी 20% का रिटर्न दिया है। यदि इसी तरह से आपके ज़िंदगी में 20% रिटर्न मिलता रहे, तो क्या हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ करेंगे, अपना पेट काट के, अपना शौक मौज ये सब काट करके 10,000 रुपया बचाएंगे। बड़े शहर में रहते हैं, किसी तरह से भी बचा बुचा के ये कर दिया। और ऐसा यदि 25 साल कर दिया और मात्र 12.3% का रिटर्न मिले, तो 30 लाख जमा होता है पूरी जिंदगी में, पूरी जवानी में, और पैसा बनता है 2 करोड़ रुपया यदि 12.3 का रिटर्न मिले। यदि ये 14 हो जाए, तो खुद से करके देखना है कि 14 में क्या होता है। 14 में हो जाता है 2,72,00,000 रुपया। टाइम कम करेंगे, 20 साल में करना चाहते हैं, तो सब कुछ अपने आप करना है। 24 लाख जमा होगा, 1,31,00,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से भले ही 10,000 से शुरुआत करेंगे, पर धीरे 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 इसमें एकुमुलेशन करते जाएंगे। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उभरेगा, आप दोनों तो स्मॉल कैप ही बता दिए,
बहुत ज्यादा रिस्क हो गया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में जो टोटल स्टॉक है ना, टोटल कंपनी है लगभग 5200 कंपनी है, तो पहले 100 को बोल दिए लार्ज कैप बुल्लू चिप, जिसके पास ज्यादा पैसा है तो 100 कंपनी को वो बोल दिया, फिर 150 कंपनी को मिड कैप बोल दिया, बाकी जितना बचा उसको स्मॉल कैप माइक्रो कैप बोल दिए। तो जो बनना था अमीर कंपनी वो बन गया। छोटे ही कंपनी कभी ना कभी मिड कैप बनेगा और मिड कैप वाला ही कभी ना कभी लार्ज कैप बनेगा। तो हम में पोटेंशियल किस में है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ही पोटेंशियल है। और आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है, अभी तो जवान है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 55 साल 50 साल के एज होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे एक और सवाल लोग पूछते हैं, आप कभी इंडेक्स फंड के बारे में नहीं बताते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले लिया, टॉप 50, टॉप 100, 150, 250 स्मॉल कैप का इंडेक्स ले लिया, मतलब वो टॉप का 250 ही होगा ना। अब कोई फंड मैनेजर, ये कोई कंपनी यहाँ से चलना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, और फंड मैनेजर ने उसको यहीं पे पकड़ लिया, छोटा कंपनी है, अब ये दौड़ते दौड़ते 3-4 साल 5 साल लगेगा तब यहाँ जाके घुसेगा स्मॉल कैप के इंडेक्स में। उसके पहले फंड मैनेजर को जो मलाई खाना तक आ गए, ये 5200 कंपनी है, बॉटम के 50-100 में अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और वो दौड़ना शुरू हुआ तो कितना मल्टीफोल्ड पैसा हो जाएगा। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं, आईपीएल में खिलाड़ी चुना जाता है और एक आईपीएल में चुनने के लिए, एक खिलाड़ी के लिए मान लेते हैं 10 करोड़ रुपया का ऑक्शन होता है एक खिलाड़ी के लिए। एक फंड मैनेजर क्या बोलते हैं कि हम तो इतना पैसा नहीं लगाएंगे, हम स्कूल विजिट करेंगे, ग्रेजुएट 12th 10th के स्कूल में विजिट करते हैं, और धुआंधार जो पारी खेल रहा है उस लड़के को चुनता है और उसमें मात्र 10-20 लाख रुपया खर्चा करके उसको आईपीएल के लिए तैयार करके मुंबई की टीम से खिलाना शुरू करते हैं। तो फंड मैनेजर ने 10-20 लाख रुपए में खिलाड़ी को तैयार कर दिया और जो आईपीएल वाले हैं वो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ में एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं। तो यही कारण है, मैं नहीं बोलता हूँ या मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड में नहीं लगाया हूँ। इंडेक्स मतलब वो सिलेक्टेड है, जो आएगा वही उसके अंदर घुसेगा, लेकिन आदमी का खोपड़ी जो फंड मैनेजर का खोपड़ी है उसको तो पहले चुनना चाहेगा ना, ये तो मशीन है। और मैं कभी मशीन पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं आदमी पे भरोसा करता हूँ। जो मशीन पे भरोसा करते हैं ना वो इंडेक्स फंड खरीदते रहिए, मैं नहीं कभी बोलता हूँ और ना मैं खुद में खरीदा हूँ। अब यहाँ पे आपका कहना है लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता हूँ। हमने सुना है अगल बगल से, चाचा फूफा भतीजा से, कि म्यूचुअल फंड तो भाग जाता है, डूब जाता है, हरा जाता है, हराना मतलब खो जाना, बिहारी में हरा जाता है मतलब खो गया। हमारा एज तो मात्र 30 है पर इस 30 साल में 30 से ज़्यादा स्कैम, भागना, फ्रॉड होना, ये सब देख चुके हैं। तो हम म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत सुने इसके बारे में। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी AMC ख़त्म हो गया इसके बारे में मुझे बताइए। तो एक कॉमेंट आता है सहारा डूब गया। तो यहाँ पर आपको पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि UTI म्यूचुअल फंड का एक फंड है, UTI मास्टर शेयर, 1983 से ये शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक ये तो भागा नहीं। फंड का नाम है UTI मास्टर शेयर, शुरू कब हुआ था, लॉन्च डेट 18 अक्टूबर 1986 से ये शुरू हुआ था और इसमें टोटल पैसा है देशवासियों का 10,000 करोड़, ये तो नहीं भागा। एक और फंड है, फंड का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, 1993 से शुरू हुआ था और इसमें टोटल देशवासियों ने पैसा लगाया है 11,000 करोड़, ये तो नहीं भागा। कौन सा भागा, तो आप बोलेंगे कि सहारा म्यूचुअल फंड भाग गया, खत्म हो गया। वो भाग नहीं गया, उनको रोका गया, उनको कहा गया नॉट फिट फॉर बिजनेस, सेबी ने उस पर लगाया आरोप कि आप बिजनेस करने के लायक नहीं हैं क्योंकि आपका अलग अलग बिजनेस है और वहाँ धोखाधड़ी इन्वेस्टर के साथ ज़्यादा देखा गया है। तो उनको बोला स्टॉप करो, ये नौटंकी हम अब ज़्यादा चलने नहीं देंगे। तो इन्वेस्टर को टाइम दिया कि आप अपना सारा पैसा 4 अप्रैल 2020 के पहले सारा निकाल लीजिए, इसका आप बुरिया बिस्तर समेट रहे हैं। तो सारे इन्वेस्टर को लेटर गया, जो जानकार हैं वो सारे पैसे निकाल लिए, लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ पैसे नहीं निकला हो। तो यहाँ बोलते हैं जिनका पैन कार्ड, KYC, अकाउंट नंबर सारा कुछ अपडेट था उनका तो डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, लेकिन अभी भी जिसका पैसा पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, जाएंगे उनके ऑफिस में, कार्बी कैम्प्स के ऑफिस में जाएंगे, हालांकि कार्बी के ऑफिस में जाएंगे
उनका ऑफिस तो मेन ऑफिस तो बंद ही हो गया होगा, तो आपको ये केवाईसी वगैरह करेंगे तो वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो किया गया है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए किया गया है, ऐसा नहीं कि पैसा खत्म हो गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सहारा म्यूचुअल फंड डूबा तो सही लेकिन इन्वेस्टर का पैसा देने के बाद डूबा। दो उदाहरण और लेता हूँ कि यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड है, L&T म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड। L&T म्यूचुअल फंड बोलता है कि हम ये बिजनेस नहीं करेंगे और सारा का सारा HSBC ने इसको खरीद लिया। दूसरा एक और उदाहरण है IDBI म्यूचुअल फंड का, नाम आप जान रहे हैं सुन रहे हैं, इसको भी लगभग LIC टेक ओवर करने जा रहा है, ऐसा न्यूज में आया है। अगर तो ऐसा हो गया, ऐसा पहले भी हुआ है। रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम आप नहीं सुनते हैं, अब वो निपोन म्यूचुअल फंड है। तो हुआ क्या, यहां से यहां अब सारा जब ट्रांसफर हो गया तो फंड मैनेजर हो सकता है चेंज हो जाए, ज्यादातर केस में वही फंड मैनेजर होते हैं। अगर चेंज हुआ तो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब आपका पैसा तो पड़ा हुआ है, अब उस पैसे को मैनेज करने के लिए या तो वही फंड मैनेजर होगा, अगर नए कंपनी में वही नौकरी करते रहेंगे तो वही फंड मैनेजर होंगे, या चाहे तो नया कंपनी बोलेगा नहीं ये फंड मैनेजर नहीं, हमको ये फंड मैनेजर चाहिए, तो आपका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बैंक ऑफ राजस्थान एक हुआ करता था, अब नहीं सुनते हैं आप इसको, क्योंकि उसको ICICI बैंक ने खरीद लिया। तो क्या जिसके खाता धारक थे पैसा उसका खत्म हो गया? नहीं, बंदा बदल गया, कंप्यूटर बदल गया, आई कार्ड बदल गया, अब ICICI बैंक लिखा हुआ है, जाएंगे पैसा निकालेंगे, बोर्ड बदल गया, सब कुछ वैसे ही है। तो ठीक उसी तरह मैनेजमेंट बदल सकता है, बोर्ड बदल सकता है, शटर का रंग बदल सकता है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे आपने 10,000 वन टाइम का बात किया था पहला पेमेंट के लिए, लेकिन यदि कोई 10,000 रुपये पर मंथ का SIP कर दे, कैटेगरी है वही इक्विटी स्मॉल कैप, और लास्ट 10 ईयर्स का बात है, तो यहाँ पे देखते हैं सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के यहाँ पे चार्ट में है, और 10,000 रुपये पर मंथ पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2022 तक इन सारे फंड ने, किसी ने 42 लाख, 41 लाख, 35 लाख, और सबसे लास्ट में एवरेज अगर बात किया जाए तो 33 लाख रुपया बनाया है पिछले 10 साल में। जमा कितना हुआ, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख का वैल्यू है, 33 लाख रुपया, 19% का रिटर्न है। सबसे खराब फंड ने 24 लाख रुपया बनाया है, 13.84% का रिटर्न है। फंड का नाम है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, और जो सबसे टॉप पे है उस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, इसने 42 लाख रुपया बनाया है, जमा 12 लाख हुआ, बना 42 लाख है 24% के रेट से। पहला फंड का नाम है निपोन स्मॉल कैप, और दूसरे कैटेगरी पे रोज ऊपर नीचे होते रहता है, काफी दिन तक SBI ऊपर था और अभी आप देख रहे हैं निपोन स्मॉल कैप आ गया, तो ऊपर नीचे ये है। तो यहाँ पे पहले फंड का देखेंगे रिटर्न 42 बनाया है, इसने 41 बनाया है, और एवरेज का बात करते हैं तो एवरेज 33 बनाया है। लेकिन आप ठान ही लें कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ही नहीं है, आप कितना भी बोल देना हमारा इनकम कम है, लेकिन हम कसम खाते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज होगा कि गरीब जन्म लिए थे और जब ऊपर भी जाएंगे ना तो गरीब ही होंगे। आपका बिजनेस चल रहा है, खूब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो ठीक है, लेकिन साधारण आदमी है और गरीब हैं, तो थोड़े थोड़े पैसे अगर इक्विटी SIP में लगाते जाएंगे तो वो हो सकता है जो समाज में आपके अमीर दोस्त नहीं कर पाए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।